हाय एवरीवन, मैं हूं गणेश वर्कर और आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जो वाकई में आपके लिए शॉकिंग है। यस, एक शार्प शूटर अपनी पिस्तौल और ये सब लेके सलमान खान के घर पे गया और गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने बांद्रा में सलमान खान के घर पे गया और उसको शूट करने के इरादे से प्रॉपर सारी अपने केस में वो पिस्तौल रखी और शूट करने के हिसाब से साइलेंसर्स वगैरह सारी चीजें उसके पास थी और ये शूट करने के हिसाब से वो गया। लेकिन लक बाय चांस, सलमान का ये लक है कि वो उस आज के दिन इवेंट में एक पब्लिक के सामने कुछ इवेंट में जाने वाला था, इसके लिए मुंबई पुलिस के लोग वहां अवेलेबल थे, इस वजह से वहां प्रोटेक्शन थी। क्योंकि शार्प शूटर ने सोचा कि सुबह सलमान खान साइकिलिंग करने के लिए जो जाते हैं उसी टाइम पे, जैसे सलीम खान रनिंग करने के लिए गए थे तो उसने वो चिट्ठी रखी, ऐसे ही साइकिलिंग करने के लिए सलमान जब जाते हैं तो ये शूट करेगा। लेकिन वहां इवेंट के लिए जाने वाला था सलमान, इसी वजह से मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी थी, इस वजह से मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी की वजह से वो आदमी शार्प शूटर ने अपना काम ना करते हुए वहां से निकल गए। लेकिन जाते जाते ये चीजें पता लग गई कि शार्प शूटर था, कुछ वीडियोस वगैरह आए जो वायरल हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और ये शार्प शूटर जो है वह कहा जा रहा है कि यही बिश्नोई का आदमी। अब बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नाम उसका जा रहा है, हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का हो, क्योंकि कई साल से थ्रेट वो दे रहा है सलमान को, लेकिन आज वो नहीं देना चाहता होगा नाम, क्योंकि खुद तो कस्टडी में है, तो हो सकता है कि शायद लॉरेंस करना चाहता हो या ना करना चाहता हो। मैं आपकी आपकी जो जो खबर है जो रिपोर्टर से पूछी है और जो वैसे भी वायरल हो रही है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी के भी साइड में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, शार्प शूटर गया गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने गया और उसने पूरी कोशिश पूरी इंतजाम के साथ गया कि आज सलमान को शूट करना है, पिस्टल अपने केस में रखी हुई थी, ये सारे कुछ वीडियोस वायरल हुए, कुछ वीडियोस डिलीट किए गए पीआर की तरफ से हो या कैसे भी हो, लेकिन अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये लॉरेंस की तरफ से हुआ या कोई और है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सीधा डायरेक्टली बोला कि लॉरेंस की तरफ से, लॉरेंस की टीम के कुछ लोग हैं उन्होंने भी बोला कि डायरेक्ट हमारी तरफ से, ये सारी चीजें हुई है। अब आगे इस बारे में क्या होता है, मैंने इससे पहले वीडियो में कहा कि सीबीआई ने भी बोला है कि वो भी टीम उसने इंक्वायरी की है, क्योंकि सीबीआई सलमान की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लॉरेंस की तरफ से, लॉरेंस के इसके अगेंस्ट मूसावाला की तरफ से, इसीलिए उसने सलमान को थ्रेट दिया, इसलिए सलमान को पूछने गई थी। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है, अब शूट करने तक की नौबत आई है, ये प्रूफ हो चुका है कि हाँ, एक आदमी शूट करने आया था पिस्तौल के साथ, प्रॉपर शार्प शूटर था वो, क्योंकि पुलिस वालों के शार्प शूटर सारे पहचान के होते हैं, उनको पता होता है कौन क्या है, तो फोटोज वोटोज वीडियोज देख के उनको पता चल जाता है। तो शायद अब ये पुलिस थोड़ा और प्रोटेक्शन दे गई सलमान को, बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी में पहुंचने वाला है ये चीज, अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। लेकिन ये खबर जो भी आई है, मेरे हिसाब से ये जो भी खबर है जैसे भी है, ये शार्प शूटर किसका है ये जरूर पता करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जो भी है पता लगेगा। लेकिन मूसावाला जो उसका केस, मैं चाहता हूँ मूसावाला का केस जरूर सॉल्व हो जाए, बाकी सलमान और ये सब बाकी आप लोग क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो ये आप अपने बारे में प्रेयर करिए, आप भगवान से दुआ करिए, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। मेरी जो यहाँ ये है, मैं सिर्फ आपको खबर देने आया हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जब खबर पक्की होती है तब मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये खबर पक्की है कि एक शार्प शूटर अपने केस में पिस्तौल लेके गया, रिवॉल्वर नहीं पिस्तौल लेके गया और पूरा साइलेंसर वाइलेंसर के साथ शूट करने के इरादे से गया, लेकिन सलमान खान साइकिलिंग करने जा रहे थे उसको इतना पता था, इसीलिए वो उस हिसाब से गया, ताकि साइकिलिंग करने जब सलमान जाता है तो बॉडीगार्ड्स नहीं होते हैं या एक आधा होता है, लेकिन वो उस हिसाब से गया। लेकिन सलमान खान का लक है कि वो उस दिन इवेंट में जाने वाला था और वो जैसे बाहर आया तो मुंबई की फुल पुलिस प्रोटेक्शन थी, इस वजह से सलमान खान को कुछ नहीं हुआ और वो शार्प शूटर भाग गया, वो ये सब चीजें हुई। लेकिन अब ऐसे ही आगे इसका क्या होता है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ऐसी खबरों के साथ मैं सब बने रहिए।